का प्रातः क्लास है तेरह मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही मेरे मीत हो। बच्चे मेहमान कर रहे हैं पतित पावन की। बाप आए खास भारत को पावन बनाते हैं। और भारत में ही पतित पावन गाया जाता है। कोई विदेशों में पतित पावन नहीं गाया जाता है। अर्थात न विदेशी इतने पतित बनते हैं न उनको पावन बनाने आता है। भारत में ही पूरे पतित बनते हैं। भारतवासियों को ही पूरा पावन बनाया जाता है। अब परमपिता परमात्मा पावन बनाने का वर्षा देते हैं। वर्षा देने वाला बाप जिसको राम कहा जाता है। राम और रावण दो हैं। अब आसुरी संप्रदाय इन बातों को नहीं समझती है। तब तक नहीं समझेंगे जब तक ईश्वरीय संप्रदाय नहीं बने। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात राम की संप्रदाय बने हो। भारत ही डीटी वर्ल्ड और भारत ही डेविल वर्ल्ड बनता है। इस समय सभी मनुष्य अपन को आसुरी बुद्धि नहीं समझते हैं, क्योंकि अपन को समझ लेते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर बैठा है। समझते हैं कि सभी में ईश्वर है। तो ईश्वर बैठ ईश्वर को ईश्वरीय मत देते होंगे। परंतु बाप समझाते हैं अभी तो सभी के अंदर पांच असुर प्रवेश हैं, इसलिए सभी की आसुरी बुद्धि है। कोई भी राम को तो जानते ही नहीं। जब राम अथवा शिव को जानते हैं तो उनसे वर्षा मिलता है। बिना जाने वर्षा कैसे मिलेगा? फिर भी देखो आसुरी संप्रदाय में घमंड कितना है। बिल्कुल कंगाल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हैं, तो भी ये नहीं समझते कि हमको रावण का श्राप मिला है। रावण को जलाते आते हैं, कहते हैं ये तो परंपरा से अर्थात आदि से चला आता है, क्योंकि आदि सनातन हिंदू धर्म कह दिए है। इन विचारों की ये पता ही नहीं है कि आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य होता है। राम राज्य में भक्ति होती नहीं है और रावण राज्य में ही भक्ति होती है। और भक्ति भी देखो कितनी कड़ी है। तुम देखेंगे कि मनुष्य शिव को भी और देवताओं को भी जाकर पूजते हैं। अब देवताओं के चित्र तो घर में भी रखते हैं, फिर भी याद आती है कि जाकर मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दीदार करें।
तो याद आने से वो जड़ चित्र तो सामने आ जाता है, जैसे कि अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। फिर भी जाकर देखते तो है, क्यों जाती है मंदिर में? मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में गंध करते हैं, इसलिए देवताओं को एक किनारे रखते हैं। तो देवता को याद करने से उनका चित्र तो बुद्धि में आ जाता है, फिर भी जाकर वो ही देखते हैं, तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, अब तुमको इन धक्कों से छुड़ाई लिया है। वैसे शिव को भी याद करते हैं, जानते हैं वो निराकार है, मंदिर में ही वही निराकार का लिंग का चित्र रखा है, फिर भी जाते हैं दर्शन करने। यहाँ कोई आता है तो उनसे पूछो कि तुम शिव को जानते हो, मंदिर में तो जाते हो और मंदिर में चीज तो वही है, वही जड़लिंग है, शिव चैतन्य है या लिंग है? जैसे कृष्ण का जड़ चित्र है तो जरूर चैतन्य में आया होगा, कृष्ण चैतन्य में आया होगा तो शिव भी जरूर आया होगा, परंतु शिव तो निराकार है तो जरूर कोई के शरीर में आवेगा। सिर्फ आत्मा तो शरीर बगैर कुछ कर नहीं सकती है। अब कोई बतावे कि शिव क्यों आया था, क्यों आया था और कैसे आया था, परंतु ये बात कोई को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वो ही पतित पावन है, अगर कृष्ण कहें तो फिर उनको उसी नाम रूप में चेतन में आना पड़े, परंतु ऊंचते ऊंच पतित पावन तो शिव ही है, उनका चित्र सभी की बुद्धि में आता है। फिर भी उनका दर्शन करने मंदिर में तो जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। मनुष्य घर बैठ उनका ध्यान कर सकते हैं, बुद्धि में वो ही जड़ चित्र आवेगा, तो बेचारे भक्त कितनी अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। फिर भी देखो कितने बड़े बड़े गुरु बनाते हैं। दिल्ली में एक आया था जिसने मानव मत संस्था खोली थी, अब मानव मत कौन सी है, मानवों की समय है ही आसुरी मत, क्योंकि रावण राज्य है, ये आसुरी मत कौन सा राज्य स्थापन करेगी? आसुरी मत से आसुरी राज्य ही स्थापन होगा, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। वो फिर समझता था कि बहुत गुरु निकले हैं, जहाँ बहुत पाखंड है, सो आया था जांच करने कि ये भी कोई पाखंड तो नहीं है। वो तो समझते हैं हमारा बहुत अच्छा मत है, बल उनों को समझाया भी जाता है, परंतु समझते बड़ी मुश्किल से है, उनको अपना घमंड बहुत ही रहता है। जब ईश्वरीय मित मिले तो ही समझे। 13:63 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं,
बाकी तो सब आसुरी मत पर चल रहे, अथवा कहें रावण की मत पर चल रहे हैं। तुम जानते हो सत्युग में तो रावण होता ही नहीं है। वो लोग तो समझते हैं ये विकार परंपरा से चले आते, अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर युग में विकार होते हैं। तो शास्त्र में ये बातें रख दी हैं, ये वेद शास्त्र भी परंपरा सतयुग से चले आते हैं, ऐसे समझते हैं। वास्तव में भारत का मुख्य शास्त्र गीता है, परंतु सतयुग में तो कोई शास्त्र नहीं होता है। ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। अभी बाप आए हैं भक्ति के अंत में, भक्त शिव की भक्ति करते हैं, बाप खुद आकर के देखते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करते हैं। बाप तो आते हैं ज्ञान से सदगति करने, भक्ति से कोई सदगति थोड़े ही होती है। भक्ति तो शरीर की जड़ मूर्तियों की जाती है, और ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है, जड़ शरीर थोड़े ही पतित और पावन बनेगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने के लिए बाप आते हैं, शिव बाबा आते ही हैं भक्ति के अंत में। तो अभी अंत में भक्ति की सारी सामग्री मौजूद है, आकर के देखते हैं, मेरा जड़ चित्र भी है। कौन सा? शिव बाप आकर देखते हैं कि मेरा इस भक्ति मार्ग में जड़ चित्र भी है। कौन सा जड़ चित्र? भी क्यों लगा दिया? चैतन्य चित्र भी है और जड़ चित्र भी है। जड़ चित्र दिया है लिंग आकार, और चैतन्य चित्र हाथ पांव वाला दिया है। तो जरूर सत्यु की स्थापना करने के लिए कलयुग के अंत में आना पड़े। तो भक्ति के सभी चित्र आकर के देखते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र है, तो जरूर उनका चैतन्य में राज्य स्थापन करने आए हैं। तो देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो प्रैक्टिकल में सब कुछ देखते हो। अभी शिव बाबा आया है प्रैक्टिकल में, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मेरी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए हो, और अभी मैं आया हूँ चैतन्य लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। तुम ज्ञान चक्षुओं से देख भी रहे हो, बरोबर कल पहले भी आया था, अभी फिर उसी शरीर में आया है, वही सारी भक्ति की सामग्री हाजिर है। शिव का मंदिर भी है और मैं चैतन्य में भी हाजिर हूँ। आदि देवी आदि देव के जड़ चित्र भी हैं, और चैतन्य में भी वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। अदर कन्या कुंवारी कन्या तुम भी यहाँ बैठी हो, तुमको राजयोग सिखाए रही हैं
वो राजयोग के मंदिर खड़े हैं और वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहा हूं। उनके जड़ मंदिर भी खड़े हैं। अभी लक्ष्मी नारायण फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, जड़ चित्र सामने खड़े हैं। इन चित्रों में सभी चित्रों का ऑक्यूपेशन क्लियर है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बन जाएंगे, देवता बनेंगे तो चैतन्य में राजी करेंगे। जब चैतन्य में राजी करेंगे तो वहां ये जड़ चित्र नहीं रहेंगे, ये सभी खलास हो जाएंगे। ये मंदिर, ये मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब गिर जाएंगे, सब विनाश हो जाएंगे। कहां विनाश हो जाएंगे? सतयुग में या कोई और युग में? जरूर कहेंगे स्थापना विनाश संगम युग में होती है। इस संगम में ही एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा चैतन्य में, और ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। जब क्राइस्ट आया था तो ये चर्चेज आदि थोड़े ही थे। जब बहुत इनके फॉलोअर्स हो जाते हैं तब पैसे इकट्ठे करके बनाते हैं, और ये तो बहुत बाद में बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया रावण ने हमें शापित किया था, तब हम आसुरी संप्रदाय बन गए थे। ये भी सब आसुरी संप्रदाय कितने गंगाल बन गए हैं, भिख मांग रहे हैं। ये रावण का श्राप है। अभी तुमको मिलता है राम का वर्षा। गांधी भी कहते थे हम पतित हैं, हे राम आकर के राम राज्य का वर्षा दियो। उस गांधी ने तो नॉन वायलेंस से सिखाई, परंतु अभी तो ये लड़ाई में फंस गए हैं। अभी लड़ाई करते रहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकत वाली थी तो कोई नाम नहीं लेता था लड़ाई झगड़े का। अभी राज्य मिला है निर्बलों को तो सभी ठुग्गे मारते रहते हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसलिए अब लड़ाई का सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। गांधी थोड़े वायलेंस के लिए पैसा मांगता था, वो तो भूख हड़ताल पिकेटिंग आदि का राज्य लिया। अभी देखो कितने दुखी हैं। तमो प्रधान है तो दुख बढ़ता जाता है, जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो कितने खुश सुखी हो जाते हो। अभी तो तमो प्रधानता और भी बढ़ेगी, रक्त की नदियां बहेंगी, बहुत कुछ होगा। यह आसुरी मत उल्टे रास्ते पर आ जाएगी। जो श्रीमत लेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सबका तो विनाश होना है। शांति तो सतयुग में होती है। अभी तुमको वो वर्षा मिल रहा है।
अभी तो माया रावण का श्राप है, राम पीस स्थापन करता है, रावण पीस लेसनेस बनाता है। तो सुख शांति का वर्षा राम परम पिता परमात्मा से मिल सकता है। तो बस बातें ही दो हैं, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। तो अभी पावन बनने का वर्षा लेना चाहिए, और पावन बनाने वाला एक ही है, उनका नाम राम कहने से तो त्रेता में चले जाते हैं। इसलिए शिव कहें तो वो सदा सुख का वर्षा देने वाला सदा शिव, उनको तो सभी जानते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। और एक छोटी सी मुरली है 16363 की। रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं, जो परम पिता परमात्मा को पुकारते रहते हैं कि हम तो बुद्धिहीन है, नैनहीन है, उनको आए अपने साथ मिलने का मार्ग बताओ। अभी तुम बच्चे तो मार्ग बताने वाले से मार्ग देख रहे हो, और वो बाप राह बताए रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम देख रहे हो कि जो नैनहीन बुद्धिहीन है वो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए रहे हैं, और तुमको तो बाप ने राह बताई है, तो दर्द धक्के खाने से अभी तुम बच गए हो। इन बातों का तुम्हारा प्रैक्टिकल में अनुभव है। बाप भी कहते हैं कि हे अंधे की औलाद अंधे, दिखलाते हैं तुम रावण की औलाद थे। गीता भागवत में जो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दिखाए हैं वो तो समझाया है। इस समय धृतराष्ट्र कौन है और युधिष्ठिर कौन है? वास्तव में तो चाहे युधिष्ठिर हो चाहे धृतराष्ट्र हो, सभी अंधे की औलाद हैं। किसी बड़े आदमी को अंधा कहो तो उसे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए समझाया जाता है कि माया रावण ने सभी को अंधा बनाई दिया है। बाप आए ज्ञान का तीसरा नेत्र, अथवा कहो वरदान का नेत्र देते हैं। तुम बच्चों की अभी आंख खुली है, अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नए नहीं हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ आए अब बुद्धि मिली है, बुद्धि का तीसरा नेत्र। बाबा ने रास्ता भी बताई दिया। बाप कहते हैं मैं तुम सबको पंडा बनकर के ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, और सभी का मैं एक ही पंडा हूँ। वो जिस्मानी पंडे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मैं तो सभी को साथ ले जाऊंगा। आया ही हूं राह बताने के लिए, परंतु जब तक पवित्र नहीं बने हो कोई भी निर्वाण धाम को जाए कैसे सके? सन्यासी कह सकते हैं कि हम जाकर ज्योति ज्योति जगावेंगे,
क्योंकि वो निर्विकारी बनते हैं, परंतु वो भी जा नहीं सकते हैं। सभी का सदगति दाता पतित पावन तो एक ही है, तो जरूर उसे एक को ही आना पड़े। अभी तुम बच्चे मार्ग को जानते हो, कहां जाना होता है तो पूछते हैं ये रास्ता कहां है, नाम भी रख दिए सुभाष मार्ग, त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति रोड। अभी तो सभी कहते हैं हम अंधे हो गए हैं, बाबा तुम ही आकर के अपने परम धाम का रास्ता बताओ। तो बाप परम धाम जाने का सहज मार्ग बताते, आधा कल्प तुम भक्ति करते आए परंतु मार्ग तो मिला ही नहीं। अभी मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताए रहा हूं। तुम इन पांच विकार रूपी रावण द्वारा पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब हम कह सकते हैं कि हम गति सदगति का मार्ग बता सकता हूं, जिसको निर्वाण धाम और जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। दुर्गति को नरक को धाम नहीं कहेंगे, वो तो रौरव नरक है। बाप तो परम धाम से आते हैं, बाप को क्रिएटर भी कहा जाता है, भाई को तो क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर एक बाप ही होता है। तो परमपिता परमात्मा आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। बाप कभी बच्चों को दुख के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, वो तो सुख के लिए क्रिएट करते हैं ताकि उनको वर्षा दो। बच्चा बीमार होता है तो वो अपने पास्ट कर्मों अनुसार दुख भोगता है, बाकी बाप दुख देने के लिए नहीं करते हैं। बच्चा बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, ऐसे जन्मता है ना, तो अपने पास्ट कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। इस समय तो बाप जो हमको जन्म दे रहे हैं अथवा हमको वंशावली बनाए रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो फिर 21 जन्म तुम कर्म नहीं कूटेंगे। लौकिक बाप जन्म देंगे तो भी तुम कब दुख नहीं देखेंगे, वहां ऐसे ही होता है, और यहां तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है। मैं तुमको अब सभी कर्म का बंधन से छुड़ाता हूं, बल पास्ट का हिसाब किताब अब भोगना पड़ता है, परंतु भविष्य 21 जन्म कोई दुख नहीं देखेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वरदान देता हूं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। यहां तो लौकिक बाप से जन्म लेते ही दुख पाते आते हैं, फिर कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। अरे ये तो बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। बेहद के बच्चे तो मुख वंशावली बनते हैं, उनको बैठ शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे गुणवान तो बनो। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसा गुणवान बनाया था, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म का वर्षा अब मैं तुमको आकर के देता हूं। अब जो जितना बाप से सीखेंगे कितना तुम पद पावेंगे, सुख भोगेंगे। ये कितनी अच्छी बातें हैं, इन बातों को कोई भी बच्चा समझ सकता है। खास बाप हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए दुख नहीं रचते हैं। दुख तो हम अपने लिए खुद रचते हैं। 16:3-63 की वाणी का दूसरा पेज। अब मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं
जो तुम 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। परंतु ये सीखना तो तुमको है, क्योंकि माया ही उल्टा काम कराती है। क्रोध बस किसको मारते हैं व नाक कान काटते हैं तो दूसरे जन्म में लूले लंगड़े अंधे बन जाते हैं। परंतु वहां स्वर्ग में तो माया ही नहीं है, तो ऐसे कर्म भी नहीं भोगने पड़ते। अभी तो तेरे पुरुषार्थ पर है, पढ़कर के ऊंच नंबर ले लो, 108 की नंबर वार माला बनती है। स्कूल में भी बड़े बड़े क्लास में जास्ती 100 स्टूडेंट होंगे, जास्ती नहीं बिठाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में ही इतने 40-50 स्टूडेंट होते हैं, 100 से जास्ती नहीं होंगे किसी क्लास में। एक टीचर है जास्ती को नहीं पढ़ा सकता। तो यहां भी ऐसे है, हर एक क्लास अलग अलग। तो देखो इतने ही होंगे, एक दहली में 10 क्लास है, बल वृद्धि को पाते जाते हैं। तो क्लास तो अलग अलग है ना। ये राजौरी का क्लास है, ये सीताराम बाजार का क्लास है, तो हर एक में इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि सभी क्लास इकट्ठे तो नहीं पढ़ेंगे ना। क्लास में प्रश्न उत्तर है, पढ़ाई है, वो तो बहुत में चले जाए, और बहुत में तो ऐसे प्रश्न उत्तर पूछ नहीं सकेंगे, इसलिए छोटे छोटे क्लास होते हैं। सभी बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और गार्ड हमको पढ़ाते हैं। ये तो बहुत सहज बातें हैं। गीता का भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अब कृष्ण की आत्मा जो 16 करोड़ संपूर्ण सतयुग में आती है, वो पतित दुनिया में आकर के कैसे पढ़ावेगी? उनको पतित दुनिया में आने की क्या गरज पड़ी है? जो कलयुग में आवेंगे, कलयुग तो कलाहीन होता है, वहां 16 कला संपूर्ण कैसे कृष्ण आवेगा? और द्वापर में आवे, जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो द्वापर में भी कृष्ण की आत्मा काली देह में गिरती है। पूछते हैं ये देवी देवताएं काली देह में विषय सागर में कब गिरे? बाप समझाते हैं, द्वापर आदि से गिरे, जब माया का राज्य आरंभ होता है। पहले द्वापर युगी देह में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कलयुग को ही काली देह कहा जाता है। बाकी माया रावण द्वापर से प्रवेश होता है। माया भी पहले सतो प्रधान है तो कम दुखदाई है, जब तमो प्रधान बनती है तो बहुत दुख देती है। पहले पहले माया इतना तंग नहीं करती है, धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि माया भी तमो प्रधान बनती जाती है। अभी देखो क्राइस्ट आता है धर्म स्थापन करने, उस समय उनकी एक्ट चलती है जिसको दिनचर्या कहें, वो एक्ट जब क्राइस्ट गया तो खलास हो जाती है। जरूर बाद में बाइबल बनाया होगा, वैसे ही बाबा भी आया होगा,
तो उस समय की एक्टिंग होगी। तो ये गीता, भागवत, महाभारत, ये सब बात द्वापर में बने हैं। है तो सभी से एक ही समय का गायन। जब गीता का भगवान आया था, अब वो पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है। भगवान भी सुनाएंगे उनको जिनको कल्प पहले सुनाया होगा। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी हम तो गार्डली स्टूडेंट्स हैं, हम डायरेक्ट भगवान से शिक्षा पाए रहे हैं। वो गीता पढ़ने वाले को ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अभी बाप ने समझाया है तो हमारी आंखें खुल गई है। वो तो गीता सुनते सुनते फिर भी कहते हैं कि हमको राह दिखाओ। वो भक्ति मार्ग है। तो अब बाप कहते हैं ऐसे अच्छे कर्म सीखो जो फिर तुम 21 जन्म का अब दुख नहीं देखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं होगा, वहां तो देवताएं अलबेले होंगे। कृष्ण को अलबेला काना कहते हैं ना। वहां है सुख की प्रारब्ध। वो सुख की प्रारब्ध पाने के लिए तेरा है ऊंचते ऊंच इम्तहन। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम डबल सिर ताज बन रहे हैं। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं, सोता हूं, चलता हूं, फिरता हूं तो यही याद रहता है कि हम गार्डली स्टूडेंट हूं। गार्ड द्वारा पढ़ करके गार्ड नाले गार्ड गार्डिस बनेंगे। अगर ये निश्चय है तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। ये फादर तो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे 21 जन्मों का हम वर्षा ले रहे हैं। स्टूडेंट को टीचर जरूर याद आता होगा। यहाँ तो बाप, टीचर, गुरु तीनों इकट्ठा है तो कैसे भूलना चाहिए। परंतु वंडरफुल बात है, पढ़ाने वाला भी भूल जाता है। माया बच्चों को भुलाए देती है। तो बाप कहेंगे हो मामा माया तुम कितनी प्रबल हो, टीचर को याद करे तो वर्षा भी याद आवे। पर कितने बच्चे हैं जो टीचर को भी याद नहीं करते, मुरझाए जाते हैं। नहीं तो बच्चों को खुशी का पारा कितना चढ़ना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक वार्ता में आपने कहा कि विदेशी लोग देखने में तो मोटे ताजे अट्टे कट्टे होते हैं, परंतु उनमें आत्मिक स्थिति की पावर कम है। क्या कहेंगे, आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है या जास्ती होती है, है? क्या कहेंगे, है? हाँ, कम जन्म लेते हैं तो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या ज्यादा पावर कम पावरफुल हुई? लेकिन उन्होंने दलील दी है कि कम पावरफुल है तो बाप को जल्दी कैसे पहचान लेते हैं, है? हाँ, तो ज्यादा पावरफुल है आत्मा या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। कभी कहते कम पावरफुल है। हाँ, आत्मा ज्यादा पतित नहीं बनती है, आत्मा ज्यादा पावर नहीं बनती है। लेकिन एक सिफ्त तो है, बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। हाँ, अब जल्दी तो पहचान लेते हैं, लेकिन पूरा 100% पहचान लेते हैं या नीम हकी में खतरे जान,
है? क्या अधूरा पहचानते हैं? अधूरा पहचानते हैं, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उनमें आत्म पावर ज्यादा है, बौद्धिक पावर ज्यादा है, है? हाँ जी, कुकड़ ज्ञानी है, दूसरों को जगाने की ताकत तो है, लेकिन खुद स्थायी नहीं रह पाते, सो जाते हैं। खुद ज्ञान में चलेंगे, सरेंडर भी हो जाएंगे, दूसरों को भी चला देंगे, फिर सुनंती कथंती भागंती। बहुत भक्ति करते हैं तो बहुत दुर्गति में जाते हैं, लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं उन्हों को भक्ति करने दो, जितना भक्ति करेंगे उतना ज्ञान उठावेंगे। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं करना चाहिए, माने बहुत दुर्गति में जाएं। जास्ती भक्ति करेंगे तो जास्ती दुर्गति में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये दोहरी दोहरी बातें क्यों? किसी को भक्ति करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? हाँ, जब तक पूरी भक्ति नहीं होगी, पूरी दुर्गति का ग्रहण नहीं लगेगा, तब तक वो सदगति का रास्ता नहीं मिलेगा उनको। ये बंबई वालों का प्रश्न इधर आ गया। उन्होंने होर्डिंग लगाए हैं बड़े बड़े बंबई में, 8 प्रश्न दिए हैं, उनमें एक प्रश्न इधर आ गया, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों दिखाई गई है? बताओ। ज्ञान गंगा की बात है ना? हाँ, ज्ञान गंगा ही, ज्ञान गंगा ही दिखाई जाती है, बुद्धि से आती है, इसीलिए बुद्धि से आती है, तो सर के ऊपर विराजमान है ना, कन्या के रूप में दिखाई जाती है या ऐसे ही है? कन्या के रूप में दिखाई जाती है ना, कोई अधर कुमारी तो नहीं है, हैं? तो जो सर के ऊपर विराजमान है तो शंकर से ज्यादा ऊंची है या पतित है? हैं? ऊंची है, तो ऊंचे को सर के ऊपर रखना पड़े या नीचे रखना पड़े? सर के ऊपर रखना पड़े। क्यों ऊंची है? हाँ, भले शिव शंकर में आता है, लेकिन जिसमें आता है वो पतित तंधारी है या पावन कन्या जैसा है? पतित है, माना जो पतित आत्माएं होती हैं, वो ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं उठा सकती। उठा सकती है? हैं? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है या इम्प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है, प्योरिटी से स्थापना होती है, पालना होती है, इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो एक तरफ कहा है गंगा पतित पावनी नहीं है, और दूसरी तरफ सर के ऊपर विराजमान रखी हुई है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, तो ये गायन और यादगार कहां से आ गई? ये चित्र कैसे बनाया हुआ है गंगा का? क्या चरित्र का रहस्य है? अरे, उतरती है तब उतरती है, सर के ऊपर तो बैठी हुई है, जब उतरेगी तब उतरेगी। तो सर के ऊपर बैठती है वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो
सवाल यह है, शंकर ऊंचा हुआ, शंकर पतित पावन हुआ या गंगा पतित पावनी हुई? है नहीं, न गंगा पतित पावनी है न शंकर पतित पावन है। शंकर के अंदर शिव पतित पावन है। गंगा को भी ज्ञान सुनाया किसने मूल रूप में? है न, शिव ने निराकार ने सुना दिया। पतित साकार तन के द्वारा ही सुनाया गया ना। तो पतित पावन शंकर भी नहीं है। हाँ, निमित्त रूप में कहा जाएगा कि याद का बल ऐसा है कि याद के बल के आधार पर बाप को जो निराकारी स्टेज में याद करता है तो बुद्धि सूक्ष्म बनती है या स्थूल बनती है? सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन गहरा चलता है। उसके मुकाबले गंगा, गंगा में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि नहीं, पवित्र तो है, पवित्र विजयमाला की हेड भी है, उसमें भी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। लक्ष्मी में चलता है क्या? जगदम्बा में मनन चिंतन मंथन चलता है क्या? हाँ, जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में, उन शक्तियों में गंगा के लिए खास गायन है। भक्ति मार्ग में गंगा क्या है? पतितों को पावन बनाने वाली है। तो पतितों को पावन बनाने का मुख्य आधार क्या हुआ जो शंकर में नहीं है? प्योरिटी। जो कन्या की प्योरिटी है वो पुरुषों में नहीं हो सकती। पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन, तो कन्या के हिसाब से बताया गया कि उसमें प्योरिटी की पावर जास्ती होने के कारण वो पतित पावनी बनने के लिए निमित्त बनती है, बल विचार सागर मंथन करने की शिफ्ट नहीं है। विचार सागर करने की शिफ्ट न होने के कारण बताया गया है कि गंगा पतित पावनी नहीं है, वो पानी की गंगा है। पानी की गंगा को बिलोने से उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। जो मनन चिंतन मंथन करे वो सागर है। सागर निराकार है या सागर साकार है? हा? सागर कौन है? मंथन किसका किया जाता है? सागर का मंथन किया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? सागर घेरे हुए। तो सागर साकार में है, वो ज्ञान सागर है। वो ज्ञान सागर मनन चिंतन मंथन करने की शिफ्ट है, उसका मंथन किया जा सकता है, पानी का मंथन नहीं होता। तो जो भी है, कन्याएं हो या माताएं हो, वो मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें नहीं निकालती। कौन सा ज्ञान सुनाती है? जो सुना हुआ है वो ही सुनाती है या नई नई बातें सुनाती है? हैं? जो सुना हुआ है वही सुनाने के निमित्त बनती है, लेकिन प्योरिटी के आधार पर सुनाती है, प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर सुनाती है, तो उनको सफलता मिलती है। इसलिए पतित पावनी है, भक्ति मार्ग में गाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो ज्ञान गंगाएं जो निकलती हैं, जिनको सर पर बैठाया हुआ है, वो कोई मनन चिंतन मंथनशील है, कोई मक्खन निकालने वाली है? उनके पानी से मक्खन मक्खन नहीं निकलता। बाबा, झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? हैं? झाड़ू लगाती? दीपावली पर झाड़ू पहले आती है या लक्ष्मी पहले आती है? तो झाड़ू अलग हुआ
या लक्ष्मी ही झाड़ू हुआ है? झाड़ू लगेगी तब लक्ष्मी आएगी ना। झाड़ू पहले आए और लक्ष्मी जब सफाई हो जाए, कीड़े मकोड़े ब्राह्मण परिवार में से निकल जाए, गंध फैलाने वाले भगंती हो जाए, तभी तो लक्ष्मी आवेगी। साफ सुथरे घर में लक्ष्मी आवेगी या गंध फैलाने वालों के बीच में आवेगी? हैं? साफ सुथरे घर में लक्ष्मी आवेगी। तो झाड़ू अलग चीज है और लक्ष्मी अलग चीज है। झाड़ू तो कीड़े मकोड़ों को बाहर करने वाली है, और बाबा ने तो वाणी में बताया है, अव्यक्त वाणी में, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। क्या कहा? एक हाथ में झाड़ू नहीं है, दोनों हाथों में भी झाड़ू है। तो प्रकृति जड़त्वमयी है या चैतन्य है? चैतन्य तो है, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या लक्ष्मी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है? प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, इसलिए पहले सुधरेगी या बाद में सुधरेगी? हाँ, बाद में सुधरती है। और चैतन्य आत्मा पहले सुधरती है। ये बहुत बड़े अंतर की बात है। अक्षय तृतीया कौन से महीने में होती है? चैत्र वैशाख में, वैशाख में होती है, चैत्र में नहीं। अच्छा, चित्त शुद्ध कब होता है? नए साल में शुद्ध होगा या साल पुराना हो जाए तब प्रधान हो जाए तब शुद्ध होगा? नए साल में। तो उसका नाम चैत्र मास पड़ा। फिर वैशाख आता है। तो अक्षय तृतीया जब आती है उसका नाम क्या रखा? वो छीण छीण नहीं होती। उस दिन सोना खरीदते हैं अक्षय तृतीया को। सोना किसे कहा जाता है? जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, सच्चाई को धारण करने वाली हैं, उनको रखा जाता है। सच्ची आत्माएं सत्य की स्थापन करेंगी ये अंदर एक और बाहर दूसरा, वो सत्य भी स्थापन करेंगे। सच्ची आत्मा स्वर्ग स्थापन करेगी। तो अक्षय तृतीया का गायन है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है या बाद में बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। प्रतिपदा है तो जैसे निल है, द्वितीय है वो थोड़ा अंश मात्र है रोशनी, और तृतीया को बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में शुरुआत में बढ़ोतरी होती है या बाद में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है? बाद में होती है।
भक्ति मार्ग की नीच आत्मा में कैसी कैसी नूदी होती है और पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं कैसी बनती और उनके साथ संबंध संपर्क किस आधार पर होता है, क्या पूछना चाहते हैं? समझ में आया? समझ में नहीं आया। वही तो प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्मा में कैसी नूदी जाती, नीच आत्मा कैसे नूदी जाती, नीच आत्माओं के साथ प्रवृत्ति मार्ग की नूद कैसे होती है? प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्मा, प्रवृत्ति मार्ग की नीच आत्माओं में कैसे नूद होती, नीच आत्माओं के साथ प्रवृत्ति मार्ग की नूद कैसे होती है? जो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं ज्यादातर भक्ति मार्ग के होते हैं ना, 21 जन्मों के लिए तो हाँ 63 जन्मों में भक्ति मार्ग के ही होते हैं ना, प्रवृत्ति में रहने वाले। तो जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं गुरु करते हैं कि नहीं है? गुरुओं का संग करते हैं, करते हैं। तो गुरु नीचे हैं या ऊंचे हैं? तो बहुत नीचे काम किया उन्होंने, अपन को भगवान बना के बैठ गए, हमारी बुद्धि में भी डाल दिया तुम भी भगवान हम भी भगवान, फिर अपने पांव क्यों पूजवाते हैं? पहले हमारे पांव पूजो, गृहस्थियों के पांव पूजो, सो नहीं पूजेंगे। कहते हम पवित्र रहते हैं तुम अपवित्र रहते हो, इसलिए हम भगवान हैं तुम नीचे हो। दूसरों को नीच साबित करना, अपनों को ऊंच साबित करना, तो नीच सूदी छूटे हो जाती है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की नीचों का संग करने से, गुरुओं का संग करने से नीची नूदी नूद हो जाती है। यहाँ भी हो रही है क्या? यहाँ भी जो छोड़ छोड़ करके यज्ञ को जाने वाले हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? और निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो अपन को भगवान मान के बैठेंगे या जिसको भगवान माना था निश्चय पत्र लिख के दिया था उसको भगवान संसार में साबित करेंगे? खुद को भगवान हैं? खुद को भगवान मान किसको? बाहर छोड़ के गए, जो छोड़ के गए वो अपन को भगवान बतावेंगे, आत्मा से परमात्मा की लिस्ट में आ जाएंगे या भगवान एक ही है एक व्यापी है वो सिद्ध करेंगे? सिद्ध नहीं करते, वो नहीं सिद्ध करेंगे, वो कहेंगे नहीं आत्मा तो परमात्मा यही बात सत्य है, हम भी भगवान तुम भी भगवान। जो छोड़ के जाने वाले होते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन धारणा में बिल्कुल जीरो और योग में भी बिल्कुल जीरो। योग की जगह विचार फैलाने वाले होते हैं। योगी किसे कहा जाएगा? एक के साथ योग लगाने वाला योगी है या अनेकों के साथ योग लगाने वाला योगी है? एक के साथ पहचान करके जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक है उसको पहचाने और उसके साथ योग लगाए तो योगी, और अनेकों के साथ योग लगाए तन की मन की धन की समय की संपर्क की संबंध की तो फिर वो योगी थोड़े ही है। तो ना उनमें छोड़ के भागने वालों में योग की ताकत नहीं है लेकिन योग उल्टा योग लगाते हैं वो ताकत ज्यादा है, और ज्ञान भी अपना प्रभाव पुरस्सर करेंगे या भगवान का प्रभाव साबित करेंगे, जिस आत्मा को भी सुनावेंगे अपना सिक्का जमा देंगे। ऐसे ऐसे बहुत हुए हैं और आगे चल के होंगे, एडवांस में भी ऐसे ही है, वीके में भी ऐसे ही है, भगवान के करीब नजदीक नहीं पहुंचाया अपने नजदीक ज्यादा लाया। जब तक वो रहते हैं यज्ञ में उनके फॉलोअर्स सारे चलते रहेंगे, जैसे ही वो उड़े उनके फॉलोअर्स भी उड़ जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं कैसी बनती है, उनके साथ संबंध संपर्क किस आधार पर होता है? पहले पहले ब्राह्मण कुल की आत्माएं बनने का कोई निमित्त बनता होगा कि नहीं है? कौन है निमित्त? पहले पहले जो ब्राह्मण कुल में आते हैं वो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी या दूसरे वंश की होंगी? सूर्यवंशी किसके निमित्त में, किसके निमित्त संपर्क में आती है?
प्रजापिता की मदद संभव नहीं है। उनके साथ संबंध संपर्क किस आधार पर होता है? बाप के संपर्क संबंध के आधार पर संबंध जोड़ना है। जिनका बाप से संबंध संपर्क नहीं है उनको उनसे उनके साथ हमको भी संबंध संपर्क जोड़कर नहीं रखना है। यही आधार शताब्दी में देहधारी आत्मा में बसवेश्वर और उनके फॉलोअर्स कुंडली योग इच्छा मृत्यु लगाकर शरीर छोड़ते थे। ऐसा हो सकता है या नहीं है? कुछ नहीं होता है, ऐसा झूठी कहानियां बनाई हुई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्या द्वापर कलयुग में या 12वीं शताब्दी में या कोई भी शताब्दी में 2500 वर्ष के अंदर जो किसी की इच्छा मृत्यु हुई हो? इच्छा मृत्यु तो देवताओं की होती है। Oh,